भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद कांता कर्दम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामपुर का निरीक्षण कर सरकार की मंशा के अनुरूप सुविधाएं दिलाने तथा ऑक्सीजन प्लांट जल्द शुरू कराने का भरोसा दिलाया है। जानकारी के अनुसार राज्यसभा सांसद कांता कर्दम दोपहर भाजपा कार्यकर्ताओं व अधिकारियों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुँची थी। स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण के दौरान महिला चिकित्सक सविता सिंह द्वारा मरीजों के प्रति की जा रही लापरवाही पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ओपीडी सहित पूरे परिसर का निरीक्षण कर सरकार की मंशा के अनुरूप मरीजों को लाभ पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ओपी यादव से उन्होंने अस्पताल संचालन तथा अन्य सुविधाओं के संदर्भ में विस्तार से जानकारी ली। पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में वह तथा उनका परिवार भी संक्रमित हो गया था। लोगों को एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी करनी पड़ रही थी। धामपुर जनपद का प्रमुख केंद्र है, इसीलिए उन्होंने धामपुर में अपनी सांसद निधि से ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जिला प्रशासन को अनुमति दी थी। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में लगभग सभी की कार्यवाही पूरी हो चुकी है, जल्द ही प्लांट लगाने के लिए कार्य योजना धरातल पर दिखाई देगी। इस दौरान उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की अनेक योजनाओं की भी जानकारी देते हुए आम जनता से लाभ उठाने का आह्वान किया। इससे पूर्व धामपुर पहुंचने पर पालिका अध्यक्ष राजू गुप्ता, जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर महेंद्र धनोरिया, राणा प्रेमकर सिंह आदि ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। प्रेस वार्ता का सफल संचालन भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष राघव शरण गोयल द्वारा किया गया। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। और यह क्षेत्र मेरा मन से और मैं जानती भी हूँ इस क्षेत्र के विषय में मुझे जानकारी दी। अभी जब ये कोविड की महामारी आई है तो मैं भी कोरोना का शिकार हो गई थी, तो मुझे भी 24 मार्च पार्लियामेंट जब चल रही थी तो उसका समापन ही होने वाला था 24 मार्च में, तो एक दिन पहले मुझे भी कोविड की शिकार कर दी। उस कोविड की शिकार में बहुत सारी दिक्कत भी और परेशानी भी आती है, तो जब मैं कोविड की शिकार उतनी ऐसी कोविड नहीं था, बहुत ज्यादा मार्च में नहीं था, नहीं बहुत कम था, लेकिन जैसे ही मार्च के बाद जो है मार्च खत्म हुआ और आगे जो है महीना शुरू हुआ अप्रैल का, तो ये कोविड बढ़ने लगा। और आपने देखा होगा तो 15-20 दिन में उसकी हाथ और मचा ऑक्सीजन, तो मैं देख रही हूँ कि जो इतने बड़े बड़े शहर हैं जो वहाँ ऑक्सीजन की इतनी दिक्कत है, तो यहाँ धामपुर जैसी जगह में जो एक कस्बा है तो यहाँ तो बहुत अगर, अब अगर यहाँ से मरीज को लेकर जाते हैं, मेरठ लेकर जाते हैं, चाहे बिजनौर भी लेकर जाते हैं, तो मुझे पता है कि जाते जाते क्या हालत होगी। तो इस बार का कोविड जो आपने देखा होगा, कोविड की शिकायत आपने देखी होगी, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा परेशानी बहुत ज्यादा दिक्कत। कोई भी अगर कोरोना हो गया किसी को तो ऑक्सीजन सबको ही चाहिए, ऐसा तो हमने बहुत सारी जगह हमने देखा कि बहुत लोग मारे मारे घूम रहे थे, क्योंकि सरकार को भी ऐसा उन्होंने कहा देखा कि इतनी दिक्कत ऑक्सीजन की हो सकती है या इतनी बड़ी रूप ले सकती है महामारी ले सकती है। तो इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे सिलेंडर मेरठ से जो है इसी तरह से अरेंज करवाकर वहाँ हॉस्पिटल में भिजवाना, ये सब करना आपके जिलों में ये भिजवाना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा कि हमारे ट्विटर पर भी, हमारे फेसबुक पर भी बहुत डिमांड आ रही थी, और डिमांड क्या आ रही थी, ऑक्सीजन की डिमांड चारों तरफ से बहुत डिमांड आ रही थी कि ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पर। तो हॉस्पिटलों में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, बहुत महामारी थी जिसमें आप लोगों ने सब नहीं देखा होगा। तो इसी बात को देखते हुए भी मुझे लगा कि हम जो हमारा मेरे मन में शुरू से था जिस समय से ये कोरोना चला कि ऑक्सीजन अगर प्लांट अगर हार भी तो होगा हर सामुदायिक तो वो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें किसी को नहीं मालूम है कि इसमें कौन सी मेडिसिन उसको चाहिए। जो इसमें दवाई है जो कोरोना में दी जाती है वो घर पर भी या आइसोलेशन में भी रहकर ले सकता। अगर सामुदायिक केंद्र में अगर यहाँ ऑक्सीजन प्लांट अगर होगा ऑक्सीजन की यहाँ जो है समस्या नहीं रहेगी, तो यहाँ पर भी यहाँ का यही रुक सकता है। आसपास के गांव है यहाँ पर है, छोटे कस्बे हैं, तो उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि धामपुर जो है एक ऐसी जगह है, थोड़ा सा सेंट्रल आप मान लेगा, बिजनौर हो गया तो बिजनौर में तो यह है कि आसपास का जो उधर की तरफ से भी
मतलब रिजॉर्ट की सुविधा मिल सकती है, लेकिन धामपुर एक ऐसी जगह है कि जो ये भी सेंटर ही आप मान लो, इसमें सिवारा है, इधर नूरपुर है, इधर एयरपोर्ट है, इधर नगीना भी नजदीक पड़ सकता है, उधर भी जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, इधर जो है नेटवर्क भी पड़ता है यहाँ पर लगभग। तो धनराशि यहाँ धनराशि देखिए, ऑक्सीजन प्लांट में अभी इसका पूरा मतलब बनना है, प्रोजेक्ट बनना है, प्रोजेक्ट इसका बनना, तो मुझे लगता है लगभग आ जाएगा 70-80 के लगभग ये कितने ड्यूरेशन में लगभग तैयार हो जाएगा ये। हमारी कोशिश तो ये है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैम पुणे के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन लोगों का मानना है कि ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड में थर्ड वेव एंट्री करेंगे, सो बिफोर दैट कैन वी गेट दिस। ऐसा है कि अभी ये तैयारी चल रही है इसकी, प्रोजेक्ट है, मैं भी लगी, मुझे भी चिंता है कि थर्ड वेव अगर यहाँ आती भी है तो उससे पहले पहले यहाँ ये लग जाए, तो उसकी कोशिश में हम भी हैं। तो जो डीएम थे पहले वो भी यहाँ सर्वे करने के लिए आए हैं, तो उनके पास ही मैं खुद आई हूँ, वहाँ पर डीएम से मैं खुद बात करके गई हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होती है ऑक्सीजन की, उन्हें कहीं भटकना ना पड़े, उसे यहीं पर ही वो सुविधा मिले।